एक बिल्डिंग बनाने में हमें 27 करोड़ और 40 करोड़ रुपया लग रहा है। अब कारण क्या है कि डेविएशन हो जाता है, आइटम चेंज हो जाती है, और माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा, फ्रेम स्ट्रक्चर्स में चले जाते हैं, आरसीसी से कहीं और चले जाते हैं। अब स्थिति ये है कि ये 5 साल से ऐसा होता आ रहा है और हम व्यवस्था परिवर्तन करने लगे हैं। हम जितने भी बिल्डिंग्स आगे से बनेगी कंस्ट्रक्शन ऑडिट करवाएंगे, कितने कीमत होनी चाहिए, क्या फ्रेम स्ट्रक्चर की कीमत होनी चाहिए, क्या सरिया किस रेट पर मिलता है, किस रेट पर सीमेंट उपलब्ध होता है। फिर भी ये बिल्डिंग की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है, घर की बिल्डिंग बनाने में इतना खर्चा नहीं आता। ये सारी चीज़ों को बड़े डिटेल से देखने की जरूरत है, और माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा कि हम सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद आने वाले समय में जो DPRs बन रही है, एक DPR आपकी अगर 10 करोड़ की है तो उसमें 15 करोड़ हो जाता है, और उसके बनते बनते वो 25 करोड़ में चली जाती है। ये पिछले कई सालों से व्यवस्था ऐसी चल रही थी। हम सड़क में भी, हम बिल्डिंग्स में भी हमेशा आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑडिट के साथ आगे करेंगे, और DPR में किस प्रकार DPR बनती है उस दृष्टि से भी हम इस पर आगे बढ़ना चाहेंगे। और माननीय मंत्री जी से भी मैं चाहूंगा कि हमको ये सब चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना है, क्योंकि डबल कॉस्ट हो जा रही है, ट्रिपल कॉस्ट हो जा रही है। कितने टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड तो हमने छोटा कर दिया, जो पहले 60 दिन हुआ करता था वो हमने छोटा करके 10 दिन हमने टेंडर की डेट रख दी और 10 दिन में अवार्ड की कर दी। इस दृष्टि से बड़ी आगे परिवर्तन करने की जरूरत है।